Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. Good morning dear all student. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8th में जो कंप्यूटर का बुक आपका लगा है उसके बारे में, लेसन क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं आपको कहाँ पे मिलता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ से आप अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट का आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास जो वीडियो आता है, अगर आपके कंटेंट में कोई स्टूडेंट हैं तो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगी और उनको भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर में जो 8th का है बुक है उसमें आपका कंटेंट जो दिया हुआ है वह क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो कंटेंट दिया हुआ है ये पूरा लेसन 10 है, इसमें लेसन 10 दिया हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। लेसन 1 में कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में हम जानेंगे कि लेसन 1 में कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। उसके बाद से हम देखते हैं लेसन 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी नंबर क्या होता है। क्लास 7th के वीडियो में आप देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि बाइनरी नंबर क्या होता है और बाइनरी नंबर किस पे काम करते हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, इसको निकालते कैसे। ये आपका मैथ की तरह होता है, इसको आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद से हम देखते हैं लेसन थ्री में आपका दिया हुआ है चार्ट्स इन एमएस एक्सेल 2007। चार्ट्स आप कैसे बनाते हैं, इसको आप एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं और पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लेसन दिया हुआ है एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे आप बनाते हैं उसके बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। उसके बाद से लेसन 4 एमएस एक्सेस के बारे में हम लेसन 4 में जानेंगे। उसके बाद से लेसन 5 जो आपका दिया हुआ है मोर आर इंटरनेट, लेसन 6 मोर आर इंट एचटीएमएल सेकंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेसन 5 में दिया है मोर ऑन एचटीएमएल फर्स्ट मोर ऑन एचटीएमएल सेकंड। तो आपका दोनों लेसन एक ही है, ये जो दोनों लेसन आपको दिया हुआ है एक ही है। HTML का फुल फॉर्म आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें आपका जो आपका ब्राउजर होता है, जो आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, जो आप इंटरनेट पे वेब पेज को आप पढ़ते हैं उसी को कोडिंग के लिए आपका HTML बताया जाता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे लेसन 5 और 6 में। उसके बाद से लेसन 7 दिया है मोर ऑन इंटरनेट के बारे में हम लेसन 7 में जानेंगे। उसके बाद से लेसन 8 दिया है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे लेसन 8 में। उसके बाद से दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू जावा क्या होता है, इसका कोडिंग कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन 9 में। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरी डिटेल में लेसन 9 में। उसके बाद से दिया हुआ है लेसन 10 में हम देखते हैं दिया हुआ है वेरियस फील्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री में आपका जो फील्ड होता है उसमें क्या क्या होता है इसकी जानकारी आपको मिलेगी लेसन 10 में। तो चलिए यहाँ पे हम आज जान लिए कि कितना लेसन आपको दिया हुआ है क्लास 8th में और क्या क्या टॉपिक आपको बताया जाएगा। आपका जो लेसन दिया हुआ है कौन कौन सा है इस वीडियो में आपको पता चला।
आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया है और कौन सा लेसन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं। कॉपी पे लिखने के बाद से आपको लेसन आपका लिख लिए हैं, उसके बाद से आपका दिया हुआ है क्लास एट, तो जो क्लास एट के बच्चे होंगे वो अपने कॉपी फेयर कॉपी पे लिख लेंगे। उसके बाद से टॉपिक वाइज आपका जो लेसन वन दिया है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद से आपको एक एक करके लेसन टेन के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात जरूर कह रहे हैं कि इसमें कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं।